आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। एक पिंजरा लगाने से थोड़ी ना बाघ पकड़ा जाएगा। अरे पिंजरा लगाया तो क्यों लगाया? अरे बाघ तो पिंजरा लगाया क्यों? रोज बाघ आ रहा है, रोज। कोई सच नहीं है कि बाघ नहीं आ रहा हूँ मैं। पिंजरा को मैं होता तो मैं पिंजरा भी नहीं लगने देती। मैं नहीं थी वहाँ। बनवान को तो कह रहे हैं क्यों लगाया हो पिंजरा भी? रेंजर साहब को कह रहे हैं कि आप उनकी बच्चे के शरीर में क्या बीमारी हो गई है। उत्तराखंड में गुलदार की दहशत बरकरार। दहशत के बाद श्रीनगर में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, स्कूलों में अवकाश घोषित। उत्तराखंड में अभी भी गुलदार की दहशत कम नहीं हुई है, जिससे लोगों के लिए न केवल रात में बल्कि दिन में भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गुलदार के खतरे को देखते हुए श्रीनगर गढ़वाल में नाइट कर्फ्यू और खिरसू ब्लॉक के विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। उधर पौड़ी जिले के आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश दिए गए हैं। यहां गुलदार अब तक दो मासूम बच्चों को निवाला बना चुका है। कर्फ्यू 7 फरवरी से 9 फरवरी तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा खिरसू ब्लॉक के विद्यालयों में बुधवार को भी अवकाश घोषित किया गया है। गुलदार की सक्रियता को देखते हुए डीएम पौड़ी के निर्देशों पर श्रीनगर क्षेत्र के साथ ही एक दर्जन गाँवों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि श्रीनगर और पौड़ी गढ़वाल में गुलदार अब तक दो बच्चों को निवाला बना चुका है। बीते 3 फरवरी को गुलदार ने खिरसू निवासी 11 साल के अंकित पर गौशाला के सामने खेलते हुए हमला कर दिया था। गुलदार के हमले से अंकित की मौत हो गई। 4 फरवरी को ग्लास हाउस रोड निवासी 4 साल के अयान अंसारी को गुलदार घर के आंगन से उठा कर ले गया। बच्चे का शव घर से 20 मीटर दूर झाड़ियों में बरामद किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।